बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस ने आज गांधी जयंती और स्वच्छ भारत अभियान की चौथी वर्षगांठ के मौके पर येलो फाउंडेशन के तहत समुद्र तट को साफ करने का मिशन शुरू किया है। अपने इस मिशन से जुड़ी तस्वीरों को जैकलीन ने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है। इन तस्वीरों में जैकलीन पिंक टी शर्ट, पिंक कैप संग ब्लू डेनिम पहने नजर आ रही हैं। तस्वीरों में हम जैकलीन को अपने हाथों से बीच साफ करते देख सकते हैं। जैकलीन पोस्ट में लिखती हैं, 2 अक्टूबर एक तारीख जो लाखों दिलों में अंकित है, क्योंकि इस दिन मोहनदास करमचंद्र गांधी जी की जयंती होती है। आज यह और भी खास है क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के 4 साल पूरे हो गए हैं। एक स्वच्छ शहर सबसे अच्छा उपहार है जो हम खुद को और अन्य नागरिकों को दे सकते हैं। इस दिन अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मैंने जेएल योलो फाउंडेशन और बीच प्लाई इंडिया से कालम्बले मल्हार के साथ मीठी नदी के तट पर जाने का फैसला किया, यह समझने के लिए कि हम कैसे योगदान दे सकते हैं। बीच प्लाई इंडिया हमारे शहर को साफ करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। वे नियमित रूप से समुद्र तट की सफाई करते हैं, जिसमें हम सभी भी वॉलंटियर कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर इस खूबसूरत शहर, देश और ग्रह को बचाने का संकल्प लें। जैकलीन अपनी दयालुता के लिए जानी जाती हैं। लॉकडाउन के दौरान भी जैकलीन को जरूरतमंद लोगों को खाना बांटते देखा गया था। श्रीलंका की ब्यूटी क्वीन जैकलीन ने भारत में आकर अपनी मेहनत के दम पर धमाकेदार तरीके से यहां अपना मुकाम बनाया है, जो उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर किया है। वर्क फ्रंट की बात करें तो जैकलीन, जिन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर 55.1 मिलियन फॉलोअर्स का माइलस्टोन पार किया है, एक हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत पुलिस में नजर आई थी। सैफ अली खान, अर्जुन कपूर और यामी गौतम भी इस फिल्म का अहम हिस्सा थे। इसके अलावा उनके पास किक 2, बच्चन पांडे और राम सेतु जैसी बिग बजट की फिल्में हैं। किक 2 में वह सुपरस्टार सलमान खान के साथ नजर आएंगी, वहीं बच्चन पांडे और राम सेतु में अक्षय कुमार अहम हिस्सा हैं। बच्चन पांडे 4 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वह जॉन अब्राहम के साथ आगामी फिल्म अटैक में भी स्क्रीन शेयर करेंगी। यह फिल्म 26 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली है। जैकलीन अब बादशाह किच्चा सुदीप की आगामी फिल्म विक्रम रोड़ा का भी हिस्सा बनी है। INS रिपोर्ट।